हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद योर क्लास थर्ड साइंस टेक्सट बुक चैप्टर नंबर इज सेवन द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बर्ड्स सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर बर्ड्स आर द ओनली एनिमल दैट हैव है अब बर्ड्स एक लौती ऐसी एनिमल्स होती हैं जिनके ऊपर फेदर्स होते हैं अ बर्ड हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स एंड अ टेल बर्ड के पास विंग्स होती हैं और एक टेल भी होती है द विंग्स एंड टेल हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई एक बर्ड इन्हीं विंग्स और टेल का हेल्प लेती हैं ताकि ये फ्लाई कर सकें उड़ सकें अ बर्ड हैज़ अ हार्ड बीक दैट हेल्प्स इट टू कैच होल्ड अ नीट फूड एक बर्ड की जो बीक होती है वो बहुत हार्ड होती हैं और इसी की हेल्प से ये अपने खाने को कैच कर सकती हैं होल्ड कर सकती हैं और खा भी सकती हैं बर्ड्स हैव टू लेग्स टू मूव ऑन लैंड अब अगर लैंड पर रहेंगी तो इनके पास दो लेग्स भी रहते हैं दे हैव अ पेयर ऑफ आइज इनके पास दो आइज़ होती हैं वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी एक इस साइड और एक दूसरी साइड आइज़ होती हैं बर्ड्स हैव ईयर होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड बट वी कैन नॉट सी दैम एज दे आर कवर्ड बाई फैदर्स अब बर्ड्स का जो फेस होता है उसमें ईयर्स भी होते हैं लेकिन हम उन ईयर्स को नहीं देख सकते हैं बिकॉज़ वो ईयर्स बहुत छोटे होल्स होते हैं हेड के अंदर और उनका पूरा हेड जो है वो फैदर्स से कवर रहता है हाउ बर्ड्स कैन फ्लाई ईजिली अब बर्ड्स इतना ईजिली फ्लाई कैसे कर सकती हैं नंबर वन अ बर्ड हैज़ अ बोट शेप्ड बॉडी दैट हेल्प्स टू कट थ्रू द एयर ईजिली अब बर्ड्स की बॉडी जो होती है वो इस तरीके से होती है कि वो हवा को ईज़िली कट करके जा सकती हैं अ बर्ड हैज़ फ्यूअर बोन्स दैन एनिमल्स दिस कीप इट्स बॉडी लाइट हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होती है और बर्ड्स के अंदर बहुत कम बोन्स होते हैं इन कंपेरिजन टू एनिमल्स इस वजह से बर्ड्स लाइट होती हैं और वो ईज़िली हवा में उड़ सकती हैं अ बर्ड हैज़ हॉलो बोन्स मैन अ बर्ड ब्रीथ्स इन द होलो स्पेसिस गेट्स फिल्ड विद एयर दिस एयर मेक्स द बॉडी ऑफ द बर्ड लाइट एंड हेल्प्स टू फ्लाई ईजीली अब बर्ड्स के जो बोन होते हैं वो हॉलो होते हैं होलो का मतलब अंदर से खाली होते हैं तो जब ये बर्ड हवा में उड़ने वाली होती हैं ये क्या करती हैं कि ब्रीद इन करती हैं सांस लेती हैं और सांस लेने के साथ इनके सारे बोन्स में हवा भर जाती है हवा भरने के बाद ये और ज़्यादा लाइट हो जाती हैं और फिर ईजीली ये हवा में उड़ सकती हैं द एक्स्ट्रा एयर ऑल्सो हेल्प्स द बर्ड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी फॉर फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंसेस अगर इन्होंने ज्यादा एयर को ब्रीद इन कर रखा है तो इनको हेल्प करेगा ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई करने के लिए हाउ बर्ड्स फ्लाई अब बर्ड्स किस तरीके से फ्लाई करती हैं बर्ड फ्लाईज बाय मूविंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन बर्ड क्या करती है अपनी विंग को कभी ऊपर लेके जाती है और कभी नीचे लेके जाती है दी अपर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड अपस्ट्रोक अब जब ये विंग्स ऊपर जाते हैं इसको बोला जाता है अपस्ट्रोक एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक और जब ये विंग्स नीचे की तरफ आते हैं तो इसी को बोला जाता है डाउन स्ट्रोक द कंटीन्यूस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मूव द बॉडी ऑफ बर्ड फॉरवर्ड अब ये कंटिन्यूस फ्लैप करती है कभी ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे अ बर्ड यूज इट्स टेल टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग अगर फ्लाई करते करते इनको अपने डायरेक्शन को चेंज करना है तो ये अपनी टेल का यूज़ करती हैं और टेल का यूज़ कर कर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं टाइप्स ऑफ फैदर्स अब फेदर्स कौन कौन से टाइप से होते हैं अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स फैदर्स कीप अ बॉडी अ बर्ड वर्म दे ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू फ्लाई अब फैदर्स क्या काम करते हैं बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं गर्म रखने का काम करते हैं और साथ ही में फेदर्स हेल्प करते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए अ बर्ड हैज़ थ्री मेन टाइप्स ऑफ फेदर्स अब एक बर्ड में तीन अलग अलग टाइप के फैदर्स होते हैं द आउटर मस्ट पार्ट ऑफ अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद स्मॉल स्टिफ फेदर्स कॉल्ड कॉन्टोअर फैदर्स दे गिव द बर्ड इट्स शेप एंड कलर अब ये जो मोस्ट होता है इसे बोला जाता है कॉन्थोअर फैदर ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है और ये हेल्प करता है बर्ड्स को शेप देने के लिए और उनको कलर देने के लिए फिर नंबर टू कम स्मॉल फ्लफ़ी फैदर्स ऑल ओवर अ बर्ड्स बॉडी कीप इट दीज आर नोन एज डाउन फेदर्स अब ये सेकेंड इनको बोला जाता है डाउन फैदर्स ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं फ्लफ़ी होते हैं सॉफ्ट होते हैं और ये गर्मी देने का काम करते हैं नंबर थ्री लॉन्ग फ्लैट फेदर्स ऑन द विंगस एंड टेल हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई दे आर नोन एज फ्लाइट फेदर्स अभी जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं ये स्ट्रेट होते हैं और लंबे होते हैं जिससे कि एक बर्ड को हेल्प मिलती है अपने विंग्स और टेल से ताकि वो फ्लाई कर सके नाउ कम्स टाइप्स ऑफ वीक अ बर्ड डज नॉट हैव टीथ जो बर्ड्स होते हैं उनके पास टीथ नहीं होते हमारी तरह दांत नहीं होते हैं अ बर्ड यूज इट्स बीक टू पिक अप इट्स फूड एंड ईट बर्ड क्या करती हैं अपनी बीक को यूज़ करती हैं और इसी से वो खाना उठा भी लेती हैं खा भी लेती हैं बर्ड्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ये जो बर्ड्स होती हैं ये अलग अलग टाइप का खाना खाती हैं सम ईट फ्रूट्स ग्रेन्स एंड सीड्स अदर बर्ड्स ईट फ्लैश कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो फ्रूट्स ग्रेन और सीड्स खाती हैं और कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो फ्लैश खा लेती हैं द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक इज स्यूटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स जो खाना एक बर्ड खाती है उसकी बीक भी उसी तरीके से बन जाती है शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक बर्ड्स सच एज स्पैरो पिजन्स एंड पीकॉक्स ईट ग्रेन्स एंड सीड्स ये जो बर्ड्स होते हैं ये ग्रेन्स और सीड्स खाते हैं दे हैव शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स इनकी जो बीक्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं बहुत हार्ड होती हैं और हॉर्नी होती हैं द बीक्स हेल्प देम टू क्रश द ग्रीनस एंड सीड्स द इट इनकी बीक क्या हेल्प करती है जो ये ग्रीनस खाते हैं उनको क्रश करने में पीसने में इनकी हेल्प करती है नेक्स्ट इज योर कर्व्ड बीक पैराकीट हैज़ अ स्ट्रोंग कर्व्ड बीक इनकी जो बीक होती है देखें वो कर्व होती हैं इट इट्स बीक हेल्प्स द पैराकीट टू क्रैक ओपन नट्स एंड ईट हार्ड फ्रूट्स जितने भी नट्स होते हैं उनको खोलने में और खाने में जो बीक हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं स्ट्रॉन्ग शार्प्ट एंड हुक्ड पीक अब इनकी जो बीक है देखें हुक शेप की है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स अचेज ईगल स्काइट्स आउल्स एंड वर्ल्चर्स हैव स्ट्रोंग इन शार्प हुक्ड पीक्स जो भी ऐसे बर्ड्स होती हैं जो कि फ्लैश खाती हैं फ्लैश खाने वाली जितनी भी बर्ड्स हैं सभी की ऐसे हुक शेप की ही बीक होती है दीज बर्ड्स आर नोन एज बर्ड्स ऑफ प्रे देर बीक हेल्प्स देम टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स इन बर्ड्स को बर्ड्स ऑफ प्रे भी बोला जाता है क्योंकि ये दूसरी बर्ड्स को हंट करती हैं और उन्हें उनका फ्लैश खा लेती हैं

तो जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो उसकी बीक पर आके स्टिक हो जाते हैं नेक्स्ट इज स्ट्रॉग एंड चिजल शेप्ड बीक अ वुड पैकर हैज अ स्ट्रॉग एंड चिजल शेप्ड बीक इट्स बीक हेल्प्स इट टू पोक होल्स इन ट्री ट्रंक्स एंड पुल आउट इंसेक्ट्स अब यहाँ अगर ट्री होता है तो ये अपनी बीक से इसमें होल करती है और जो इंसेक्ट्स अंदर छुप कर बैठे होते हैं उन्हें ये बाहर निकाल कर खा लेती है नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स अब ये ब्रॉड भी होती हैं और फ्लैट हो जाती हैं वाटर बर्ड्स सच एज डक्स एंड डेंस हैव फ्लैट ब्रॉड बीक्स दे आर बीक्स हैव कोम लाइक एजेस ऑन द इनसाइड ऑन द साइड्स अब कोम जैसी एजेस होती हैं इनकी साइड में तीज बर्ड्स ईट स्मॉल इंसेक्ट्स वॉम्स एंड स्मॉल प्लांट्स प्रेजेंट इन मडी वाटर जो मडी पानी होता है मिट्टी वाला पानी होता है उसमें जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वाम या इंसेक्ट्स होते हैं ये बर्ड्स उन्हें खाने का काम करती हैं The water and the mud flow out through the edges, leaving the food inside the mouth. Now, water is the edges and insects the The next that we are talking about is long and slender beak. Birds such as hoopoes and hummingbirds have long and slender beaks. Now, the beak very long. The beak of a hoopoe helps it to pull out insects from the ground. द लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक ऑफ अ हमिंग बर्ड हेल्प्स एट अ सक नेक्टर फ्रॉम प्लां जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर नेक्टर होता है तो ये बीक इसको स्ट्रॉ का, का काम करती है और इस फूल में से वो नेक्टर को चूस कर बाहर निकालती है जो हुपोज होता है वो क्या करती है ग्राउंड होता है ग्राउंड के नीचे इंसेक्ट्स होते हैं तो ये अपनी बीक से उसको खा लेती हैं नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज बर्ड्स हैव टू लेग्स टू मूव अराउंड अब हमारे पास भी दो लेग्स होते हैं बर्ड्स के पास भी दो लेग्स होते हैं मोस्ट बर्ड्स हैव फोर टोज ऑन ईच फूड इनके टोज देखिए फोर टोज होते हैं ईच टो हैज अ कर्व्ड एंड पॉइंटेड क्लॉ एट इट्स एंड अब ये जो क्लॉज होते हैं ये बहुत पॉइंटड होते हैं और करव्ड होते हैं बर्ड्स यूज देअर फीट एंड क्लॉज टू मूव कैच फूड होल्ड ऑन टू ब्रांचेस एंड फाइट देअर एनिमीज बर्ड्स इन्हीं फीट का यूज़ करते हैं ताकि अपने फूड को कैच कर सकें ब्रांचेस को पकड़ सकें या फिर अपने एनिमी से लड़ाई भी कर सकें बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज टू सूट द लाइफ दे लीड जिस तरह की लाइफ वो जीती हैं उसको अच्छे से वहाँ रहने के लिए उनको अलग अलग टाइप के फीट और क्लॉज की ज़रूरत होती है नंबर वन इज़ योर पॉचिंग बर्ड्स बर्ड्स सच एज क्रोज पैरोज एंड पिजेंस सेट ऑन ब्रांचेस अब ये जो बर्ड्स होती हैं ये ब्रांचेस पर बैठती हैं इसीलिए इनको बोला जाता है पर्चिंग देर टोज ग्रिप्थ ब्रांच टाइटली लाइक अ लॉक दे डो नॉट फॉल ऑफ इवन वेन दे आर अस्लीप अब ये जो ब्रांचेस होते हैं ना ये बहुत ऐसे पकड़ती हैं जैसे कि लॉक लग गया हो और अगर इनको नींद भी आ जाती है तो भी ये उस ब्रांच पर से नीचे नहीं गिर पाती हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड इज़ यर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स बर्ड्स सच एज ईगल्स एंड वर्ल्चर्स हैव स्ट्रॉग एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलें अब जो ईगल हैं या वर्ल्चर हैं जो कि फ्लैश खाते हैं उनके जो क्लॉज होते हैं उन्हें टैलेंट्स बोलते हैं दियर टैलेंट्स हेल्प देम टू कैच स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स एंड टूट्स द बर्ड होल्ड देअ प्रे बिटवीन दियर टैलेंट्स वल फ्लाइंग तो ये जो बर्ड होती है क्या करती है अपने क्लॉज के बीच में अपने प्रे को अपना जो एनिमल इसको खाना है उसे यहाँ पकड़ लेती हैं नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड्स Birds सच birds एज hens and peacocks have hard and sharp claws. अब ये जो peacocks होते हैं hens होते हैं इनके बहुत ही हार्ड और बहुत ही शार्प क्लॉज होते हैं Their claws क्लॉज हेल्प to टू स्क्रैच एंड डिक द ग्राउंड एंड पुल आउट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अब इनके क्लॉज क्या काम करते हैं ये ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं या फिर खोदने का काम करते हैं और ग्राउंड के अंदर से इंसेक्ट्स और वर्म्स निकाल लेते हैं नेक्स्ट इज योर क्लाइंबिंग बर्ड्स बर्ड्स such एज woodpeckers and एंड have हैव टू pointing पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड टू pointing पॉइंटिंग बैकवर्ड दो टोर्स आगे पॉइंट करते हैं दो टोज पीछे पॉइंट करते हैं Their feet फीट हेल्प देम टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन ट्रीज एंड help हेल्प देम टू अब इनके जो ये जो फीट हैं ये हेल्प करते हैं इनको पेड़ पर अच्छे से पकड़ने में और इनको क्लाइंब करने में Next is your wading birds. Water birds such as cranes and herons have long legs with spread out toes. अब इनके जो legs हैं वो बहुत ज़्यादा long होते हैं और spread out toes होते हैं Their legs and toes help them to wade through soil, muddy ground near water to catch fish. ये क्या करते हैं इसी वजह से muddy waters में से भी insects को पकड़ कर खा लेते हैं Next is your swimming birds. In birds such as ducks and swans, द फ्रंट होस आर ज्वाइंट बाई थिन स्किन टू फॉर्म अ वेब इस तरीके से इनकी जो स्किन है वो जॉइन रहती है दीज वेब फीट एक्ट लाइक पेडल्स एंड हेल्प डेम टू स्विट और ये ही हेल्प करती हैं इनको स्विम करने में नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नेस्ट किस तरीके का घर बनाते हैं ये लोग जस्ट एज वी बिल्ड हाउस बर्ड बिल्ड नेस्ट जिस तरीके से हम घर में रहते हैं घर बनाते हैं उसी तरीके से एक बर्ड नेस्ट बनाती है दे ले एग्स इन देअर नेस्ट और वो अपने नेस्ट में एग्स ले करने का काम करती हैं द नेस्ट प्रोटेक्ट द एग्स फ्राम बैड वेदर एंड एनिमीज अब ये जो नेस्ट होता है ये उन एग्स को बुरे वेदर से या फिर दुश्मनों से बचाने का काम करते हैं बर्ड्स यूज़ ग्रास ट्वेग्स लीव्स एंड स्टिक्स टू मेक देयर नेस्ट अब बर्ड्स ग्रास यूज़ करती हैं ट्विग्स या फिर लीव्स या फिर स्टिक्स यूज़ करके अपना नेस्ट बनाती है नेस्ट यानी कि घोसला बनाती है दे में ऑल्सो यूज पीसेज ऑफ क्लॉथ कॉटन वूल और एनी थिंग अराउंड देम टू मेक देअर होम्स आस पास जो मिल जाए उनको क्लॉथ कॉटन वूल हर चीज़ यूज करके वो अपना घर बना लेती हैं लेट एस लर्न अबाउट द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स अब हम कुछ बर्ड्स के नेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज अ टेलर बर्ड अ टेलर बर्ड यूजेज इट्स बीक लाइक अ निडिल वो अपनी बीक को नीडल सुई की तरह तरह यूज़ करती हैं इट्सटिच टुगेदर लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट अब किसी लीव्स uh, दो तीन लीव्स को एक साथ स्टिच करने का सिलने का काम ये करती है और इसी से ये अपना नेस्ट बना लेती है दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द टेलर बर्ड टेलर भी सिलने का काम करता है और ये बर्ड भी सिलने का काम करती है द बर्ड कीप्स इट्स नेस्ट एंड कोजी बाई लाइनिंग इट विद कॉटन और ड्राई ग्रास अब ये बाउंड्री कॉटन लगा देती है या फिर सूखी घास लगा देती है और इसी वजह से इसका जो नेस्ट होता है वो गर्म रहता है नेक्स्ट इज ईगल एंड ईगल मेक्स इट्स नेस्ट ऑन टॉल ट्री और इन हाई प्लेस द बर्ड पुट्स टुगेदर अ फ्यू स्टिक्स टू फॉर्म अ शैलो कप जो ईगल होता है वो कप शेप का अपना घर बनाती है और वो भी बहुत लंबे पेड़ के ऊपर कभी भी नीचे ईगल का घर नहीं होता है नाउ मूविंग फर्दर द नेक्स्ट इज अ वीवर बर्ड अ वीवर बर्ड बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग नेस्ट विद ग्रास एंड ट्विक्स वीवर बर्ड क्या करती है ग्रास और ट्विक्स की मदद से अपना घर बनाती है इट पुल्स द ग्रास इन एंड आउट विद इट्स बीक एज इट वीव्स द नेस्ट ये बुनाई करती है नेस्ट को वीव करती है ये द नेस्ट हैंग्स फ्राम द ब्रांच ऑफ अ ट्री द बर्ड एंटर्स इट्स होम थ्रू अर टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट अब ये बर्ड की ओपनिंग होती है इसमें से घुस के अंदर बैठ जाती है और ये हमेशा पेड़ की ब्रांच से लटकता रहता है नेक्स्ट इज वुड पैकर अ वुड पैकर यूज इट स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक टू मेक अ होल इन अ ट्री ट्रंक इट देन मेक्स इट्स नेस्ट कम्फर्टेबल बाय लाइनिंग इट विद बिट्स वुड एक पेड़ के अंदर ये ऐसे होल कर देती है होल के अंदर ये छोटा छोटा वुड लगा देती है जिससे कि ये कम्फर्टेबली वहाँ पर रह सकती है देन दिस इज़ अ वेरी क्यूट एनिमल पेंगुइन पेंगुइन लिव्स इन द आइसी रीजनस वेर आर नो प्लांट्स अब ये जो बर्ड होती है ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बर्फ होता है और कोई प्लांट नहीं होते हैं अब पेंगुइन कलेक्ट्स एंड पुट्स अ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स टुगेदर ऑन आइस फ्री ग्राउंड टू मेक अ नेस्ट ये क्या करती है जहाँ पर आइस नहीं होता है वहाँ पर छोटे छोटे पेबल्स रख देती हैं और वही इनका नेस्ट हो जाता है दिस प्रिवेंट्स द एग्स फ्राम रोलिंग अवे एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्राम मेल्टिंग आइस ये जो पेपल्स uh, होते हैं अगर वो इन पर अपने एग्स को ले करेंगी तो एग्स रोल होकर कहीं गिर नहीं जाते हैं इजिली वहीं पर रहते हैं देन कम्स केयरिंग फॉर द यंग वनस जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं उनका ध्यान किस तरीके से रखा जाता है जस्ट एज आर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस मोस्ट बर्ड्स टेक केयर ऑफ़ देयर यंग वर्ड्स जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं हमारी देखभाल करते हैं उसी तरीके से बहुत से बर्ड्स अपने छोटे बेबीज़ की टेक केयर करते हैं आफ्टर अ मदर बर्ड लेज एग्स द पेरेंट्स टेक टर्न्स टू सेट ऑन द एग्स टू कीप देम वर्म अब जो मदर बर्ड होती हैं वो एक्स को ले करने का काम करती हैं फिर मदर एंड फादर टर्न बाय टर्न उन एग्स पर बैठते हैं और उनको गर्म रखते हैं दे ऑल्सो ट्राई टू कीप एनिमीज अवे वो एग्स को गर्म रखने का काम भी करते हैं और जो एनिमीज़ होते हैं दुश्मन होते हैं जो कि उन एग्स को खाना चाहते हैं उन्हें भी दूर रखने का काम करते हैं वन वन पेरेंट सिट्स ऑन दी एग द अदर गोज़ आउट टू फाइंड फूड जब एक बर्ड उस एग पर बैठी होती है तो दूसरा जाता है और खाना ढूंढ कर लाता है वैन द चिक्स आर बॉन्ड They take time to grow feathers, learn to fly, and find their own food. अब छोटे छोटे eggs के अंदर से chicks निकलती हैं Chicks बहुत छोटी होती हैं तो वो starting में उड़ भी नहीं सकती उनके wings भी नहीं होते हैं अब wings हो तब तो वो उड़ कर खुद का खाना search कर लेती हैं लेकिन जब तक wings नहीं होते हैं तब तक का क्या Until then, their parents provide food and take care of them. जब तक उनके पेरेंट्स उनको खाना भी प्रोवाइड करते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं एक बार बर्ड्स के विंग्स आ जाते हैं उनको उड़ना सीख लेती हैं वो तो फिर वो खुद का खाना खुद ही सर्च कर कर खाती हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर आई होप यू अंडरस्टड इफ़ यू हैविंग एनी डाउट प्लीज़ राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो द लिंक फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स For each and every chapter, the link for the question and answers is either given in the description box or it is pinned in the comments. So please check both of the places for the question and answers. If you still don't find the question and answers, then you can comment me or you can mail me. Thank you so much.